हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर में आपका एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले चार स्टॉक से रिलेटेड ऑलरेडी आपने थंबनेल में देख लिया है कि किन स्टॉक से रिलेटेड बातें करने वाले क्योंकि न्यू लिस्टिंग है और न्यू लिस्टिंग में कुछ ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं जो मल्टीबैगर निकल जाते हैं जैसे कि अभी हमने आपको लक्ष्मी ऑर्गेनिक बताया था मल्टीबैगर रिटर्न उसने ऑलरेडी अभी तक दे चुके हैं तो ऐसे ही सोना बी एल डब्ल्यू बताया था उसने अच्छे खासे रिटर्न दे दिए और भी स्टॉक बताया जो अभी नहीं चले आने वाले टाइम में चल जाएंगे पहले भी इससे रिलेटेड स्टॉक्स बताए हैं तो ऐसे ही स्टॉक से रिलेटेड हम बातें करते रहते हैं क्योंकि न्यू लिस्टिंग में कभी ऐसा होता है कि हमें अच्छे खासे गेन मिल जाते तो

तो अगर हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड चार शेयर में से तो सबसे पहले हम बात करेंगे देवयानी की देवयानी की अगर मैं आपको यहाँ पर बात करें तो देखिए बिजनेस क्या करती है तो ये यहाँ पर तीन से चार बिजनेस अच्छी अच्छी देखिए हर्ट के भी दिवाने हाँ बट ये पिज्जा हट डोमिनोज के कंपेरिजन में कम चलता है और बात करें कॉस्टा कॉफी यहाँ पर कॉस्टा कॉफी के भी आ, लोग अच्छे खासे यहाँ पर आ, य, 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 ये प्रोडक्ट्स यूज करते हुए दिखाई देते हैं और इसके अलावा हम देखिए एंड कंपनी इज द लार्जेस्ट ऑपरेट

किन स्टेट्स में किन किन कंट्रीज में यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो ये इस कंपनी के बारे में यहाँ पर इस यहाँ पर इस कंपनी के बारे में बता रखा है अब देखिए यहाँ पर इसका आईपीओ आता हुआ दिखाई दिया अब आईपीओ आता हुआ दिखाई दिया आईपीओ आने के बाद मार्केट में ऑलरेडी यहाँ पर प्रेशर था जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम यहाँ पर निकालते हैं निफ्टी स्मॉल uh, कैप अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसमें ऑलरेडी यहाँ पर uh, एक अगर बात करें स्मॉल कैप मिड कैप में एक अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है यहाँ पर ये शेयर 10,500 अगर बात करें 10,700 के आसपास चल रहा था यहाँ पर ये uh, और आज की डेट में बात करें तो नौ के लगभग आ गया इसी तरीके से मिड कैप में भी गिरावट है तो यहाँ पर ये कंपनी की बात करें ये भी एक अगर बात करें मिड कैप कंपनी है एज वेल एज अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ और पैरामीटर की तो देखिए एक चीज है काफी सारा इसके फायदे भी है और अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो कंपनीज है आईपीओ लाई है इसलिए लाई है ताकि ये अपना का सारा जो इनका डेट है वो डेट को कम कर सके तो हम बात करें मार्केट कैप की चौदह हजार दो सौ पचास करोड़ का मार्केट कैप है बट जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है जैसे जैसे लोग यहाँ पर वेस्टर्नाइज हो रहे हैं तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट्स है ना के हो गया पिज्जा हट हो गया कोस्टा कॉफी हो गया और दो दूसरे ब्रांड्स है इनके ये बहुत ज्यादा लोग फेमिलियर भी है एज वेल एज बात करें यहाँ पर यूज भी करते हैं, कंजम्प भी करते हैं तो यहाँ पर अगर बात करें आरओसी तो 9.10% की है डेट की बात करें 4.07% का इनके पास डेट है अभी बट इन्होंने यहाँ पर आईपीओ इसलिए लाया ताकि ये अपने इस कंपनी को डेट फ्री कर सके तो हम यहाँ पर देखें तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है यहाँ पर अच्छा खासा चल रहा था बट यहां पर अगर बात करें ये ये जो पीरियड है यहां पर कोविड के दो वेव आती हुई दिखाई दी है जिस वजह से यहाँ पर इनकी सेल्स यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दी है वरना एक कंसिस्टेंसी के साथ सेल्स बढ़ रही थी और नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए नेट प्रॉफिट यहाँ पर अभी नेगेटिव में है बट लास्ट टाइम एक करोड़ का घाटा था अभी पचपन करोड़ का ही है बाकी एक चीज अगर मैं आपको बताऊँ जो डेप्रिशिएशन होता है ना डेप्रिसिए ऐसा पैसा होता है जो यहाँ पर इन्हें दिखाना पड़ता है जो बट उन्हीं के पास में होता है तो अगर एक चीज़ अगर देखे तो टू में ऐसे अगर हम फिफ्टी भी घटा देते हैं तो फिर भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये कंपनी अभी भी प्रॉफिट में ही है घाटे में नहीं है तो थोड़ा सा एस, ये चीज ऐसे खर्चे होते हैं जो दिखाने पड़ते हैं बट पर होते नहीं है इनके पैसे इनके पास रखे रहते हैं तो 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 अगर हम बात बात करें करें की की तो देखिए पर कम है 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 और डेट डेट करोड़ रुपीज का जो कि हम ऊपर देख चुके हैं फोर समथिंग परसेंट का डेट है बट यहाँ पर अभी आईपीओ आया है और आईपीओ अच्छा खासा लेवल पर आया है तो आईपीओ इसलिए आया है ताकि ये पूरा का पूरा इसकी बोरइंग को कम कर दे और यहां पर एक बार इनकी बोराइंग यहां पर इन्होंने कम कर दी तो अगर मैं आपको बताऊं जो ये इंटरेस्ट पे करते हैं एक 155 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया है तो अगर एक का यहाँ पर इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा तो वन पर आ, अगर देने तो 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 के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, बचेगा वो प्रॉफिट में तब्दील हो जाएगा और, इस से यहाँ पर भी आ था। और ये इनकी एक इंटेंशन भी थी कि डेट फ्री किया जाए तो एक बार यहां पर अच्छा खासा यहाँ पर ये कंपनी दोबारा अच्छा खासा

डील देखी गई है तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा ये शेयर काफी बेहतरीन है और मुझे लगता है कि यहाँ पर ये आपको पैसे को आने वाले छह से एक साल के अंदर अंदर जैसी मार्केट थोड़ी सी सुधरती हुई नजर आएगी ये डबल कर देगा क्योंकि यहाँ पर काफी बड़े लोग यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं पर मार्केट सोलह हजार करोड़ की है आर ओ की है डेट फ्री कंपनी है सब चीज यहां पर अच्छा खासा है इस कंपनी का नजर आ रहा है अभी भी जब यहाँ पर सेल्स हुई थी तो वो हाइएस्ट एवर सेल्स हुई थी प्रॉफिट की बात करें वो भी हाइएस्ट एवर था और यहाँ पर ईयरली परफॉर्मेंस देखे तो कंपनी का ईयरली परफॉर्मेंस भी सबसे अच्छा है और हाईएस्ट

ज्यादा भागता हुआ दिखाई दे और केवल पॉइंट समथिंग परसेंट के शेयर पॉइंट कुछ परसेंट के शेयर यहाँ पर अगर बात करें आ, यहाँ पर पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट के शेयर हैं यहाँ पर जो कि मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर ये यह शेयर कभी भी ऑपरेटर ऑपरेट करके ऊपर भगा सकते हैं ऑलरेडी मैं इस शेयर इससे रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ और आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो शेयर है यहाँ, यहाँ कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है मुझे ये शायद एक महीने तक यहाँ पर इस तरीके से कंसोलिडेट करेगा उसके बाद छह महीने के अंदर अंदर ये शेयर आपको लगभग तीन रुपए तक ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है तो थोड़ा सा यहाँ पर इस शेयर की तरफ नजरें बनाइएगा बाकी यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर किस तरीके का चार्ट पैटर्न बनाता है बाद में जब चार्ट पैटर्न बनाएगा तब यहाँ पर इससे रिलेटेड अलग वीडियो मेरा मेरे यहाँ पर नजर है आप भी रखिए और जब एक अपॉर टी मैंने तो बाय ऑन डिप्स करके जैसे भी आप करना चाहें उस तरीके से यहाँ इस शेयर को एकोमिडेट कर सकते हैं इसके अलावा एक और शेयर है जो कि मुझे यहाँ पर काफी अच्छा खासा लग रहा है काफी फैसिनेट लग रहा है क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पर अगर बात करें एक बार डीमर्ज होता हुआ दिखाई दिया है और जितने हिस्ट्री मैंने देखी जितने भी शेयर डीमर्ज मर्ज हो रहे हैं अच्छे खासे आज मैं दो शेयर से रिलेटेड वीडियो भी बनाने वाला हूँ जो अभी डीमर्ज हुए और दोनों में अपर सर्किट लग रहा है तो उसी उस वीडियो को भी देखिएगा बट अगर हम बात करें डीमर्ज हुआ है बट आईपीओ के रूप में आया तो यहाँ पर सतासी से दो करोड़ रुपए का स्मॉल कैप कंपनी है 96 परसेंट का यहाँ पर आर है कोई भी शेयर यहाँ पर गिर भी नहीं है डेट फ्री कंपनी है सात के आसपास चल रहा है और यहाँ पर भी सेम केस होता हुआ दिखाई दिया था यहाँ पर ये यह शेयर आईपीओ प्राइस से डिस्काउंट में ही यहाँ पर लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद से लगातार यहाँ पर ये यह गिरता हुआ नजर आ रहा है क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें इस बार के जब रिजल्ट आए तो थे तो हाईएस्ट एवर रिजल्ट थे हाईएस्ट एवर अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट थोड़ा सा यहाँ पर कम हुआ था बट कोई इशू नहीं है यहाँ पर प्रॉफिट भी अच्छा खासा है पॉजिटिव है एटलीस्ट और यहाँ पर सेल्स की बात करें तो कंपनी अच्छी खासा है यहाँ पर सेल्स भी दिखा रही है नेट प्रॉफिट की बात करें नेट प्रॉफिट यहाँ पर अच्छा खासा है कंपनी का यहाँ पर प्रॉफिट देखिए अच्छा खासा है यहाँ पर प्रॉफिट डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है लगभग और यहाँ पर ईयरली बेसिस पे क्वार्टरली बेसिस पे परफॉर्मेंस अच्छी है रिजर्व अच्छे खास है कंपनी के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं डेट फ्री कंपनी है और फिक्स एसेट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं वर्किंग प्रोग्रेस में भी पैसे लगे हुए हैं जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई दे रहा है इसके अलावा यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी दे नहीं रखा है बट कोई इशू नहीं है यहाँ पर एक दो साइड से वहां पर जाके आप क्रॉस चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ही 97 की, पे काम करती हुई नजर आ रही है, तक भागता हुआ, दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी गिरावट हो रही है सात सौ रुपए के आसपास अगर मिलता है तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर एकूमलेट करते पर गेन देता हुआ नजर आएगा और सात सौ पे चल रहा है चौदह सौ पंद्रह सौ पर छह महीने से एक साल के अंदर अंदर ये पहुंचने

क्वार्टरली परफॉर्मेंस और ईयरली बेसिस पर परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी देखिए ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पे सेल्स सबसे ज्यादा होती हुई दिखाई दे रही है नेट प्रॉफिट की बात करें ईयरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट ज्यादा हुआ है और क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा मामूली सा प्रॉफिट पर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ बात करें एक्सपेंस कुछ ज्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं एज वेल एज यहाँ पर टैक्स भी ज्यादा दिया है इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा नेट नेट प्रॉफिट यहाँ पर इनका कम होता हुआ दिखाई दे रहा है बट अगर बात करें ईयरली बेसिस पे तो देखिए ईयरली बेसिस पे जहां पर दो में यहां पर ऑटो पार्ट्स और

अच्छे खासी है बोइंग की बात करें बोरिंग यहाँ पर इन्होंने कंटिन्यूटी के साथ कम करी है यहाँ पर 2016 में छह करोड़ की बोरिंग थी अभी दो करोड़ की बोरिंग रही है और रिजर्व्स जो के 24 करोड़ माइनस में था वो पॉजिटिव हो गया तो ये कंपनी क्या बता रही है ये बता रही है रिजर्व यहाँ नेगेटिव से प्रॉफिट पौफ, में आ गया और कंपनी बोरिंग से कम मतलब घाटा भी कम कर दिया है पैसा इन्होंने अपने रिजर्व बढ़ा दिया तो ये कंपनी यहाँ पर मुझे मल्टी नजर आ रही है फिक्स एसेट यहाँ पर देखिए बढ़ा हुआ है वर्किंग प्रोग्रेस में एक करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कुछ खास नहीं है बट अगर बात करें यहाँ पर कैश इक्विवेलेंट की दस करोड़ का यहाँ पर कैश भी है ट्रेड रिसीवेबल अच्छा खासा है जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है इसके अलावा आर ओ की है यहाँ पर यह सब ये सब चीज शेयर होल्डिंग अभी दे नहीं रखी है क्योंकि न्यू लिस्टिंग है बट अगर हम बात कर रहे हैं रोलैक्स रिंग की तो मुझे ये शेयर आपको अच्छा खासा लेवल पर न जाता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर दो दिन से देखिए यहाँ पर ग्रीन कैंडल

रिटर्न दे सकते हैं तो आप अपने हिसाब से देखिएगा मैं अपने हिसाब से देखूंगा बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक हमारे शेयर करिए और लाइक करना बिल्कुल मत बोलिए दूसरी वीडियोस को भी जाके देखिए थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस